feeling is because of this constitution. बच्चों आज रिपब्लिक डे है. प्रिंसिपल सर ने आपको बताया कि रिपब्लिक डे में क्या अहम घटनाएं हुई थी भारत में. कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने को ही दिया था. वी इनएक्टेड अडॉप्टेड एंड गेव द कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्फ. हमको कोई बाहर का आदमी नहीं दिया था, हम लोगों ने बनाया था. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है क्या 1947 में लगभग 200 साल गुलामी के बाद हम लोगों ने आजादी हासिल किया और आजादी के बाद हमारे पास था क्या? लोगों का एक समंदर जिसमें जो विविधता से भरा हुआ था, जिसमें लैंग्वेज रिलीजन रीजन कल्चर क्विज़ीन ट्रिमेंडस डाइवर्सिटी. इतने लोग इतने प्रकार के डाइवर्सिटी. एक देश जो 200 साल के गुलामी के बाद आजाद हुआ है आगे बढ़ेगा कैसे, क्या प्रिंसिपल रहेंगे, कौन इसमें रहना चाहेगा, हम इसमें करेंगे क्या, बड़ा सवाल था भारत का. और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान देख रहे हैं वो एक टॉर्च बेरर था कि आगे का समाज हम कैसे बढ़ाएंगे, क्या प्रिंसिपल रहेंगे, क्या इधर सबको ही अलाउड है, सबको जीने का अधिकार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या सबके लिए समान अधिकार है, क्या केरल के लोग या कश्मीर के लोग सारे एकजुट होकर रह सकते हैं, क्या जो काला इंसान जिसका सिर्फ स्किन का कलर काला है, कोई सफेद है, किसी के आंखें छोटे हैं, सबको अधिकार है भारत में रहने का, ये कहां से आया? हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हमको मिला है इसको कॉन्स्टिट्यूशन. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट एवरीबडी प्रोटेक्ट्स इट. कहीं पे किसी नागरिक का अधिकार अगर कहीं पे डैमेज होता है, कहीं पे इसके ऊपर आंच आती है, पूरा गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हो जाते हैं. ये दोस्तों मैं बता दूं, ये आता है संविधान से. संविधान ने हम सबको एम्पावर किया है और संविधान ने हम सबको राइट दिया है. आर्टिकल 14 में हम सबको समानता का अधिकार है, कोई हमको अलग नहीं बोल सकता. दुकान में जाने में कोई हमको मना नहीं कर सकता, पब्लिक प्लेसेस में आने के लिए मना नहीं कर सकता. आज खुल के आप बात कर पा रहे हैं, प्रेस के लिए फ्रीडम है. आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस. आज कोई क्रिटिकल व्यू देने के लिए किसी को पाबंदी नहीं है. जब हम गुलामी झेल रहे थे 200 साल तक, किसी को अपने मन की बात करने के लिए जेल भेज दिया जाता, प्रेस एक्ट हुआ करता था. कोई समाज कोई न्यूज पेपर में कुछ निकाल दे सरकार के खिलाफ या किसी भी प्रकार का जो किसी को पसंद नहीं है, इसको जेल में भेज दिया जाता था. हमारे महान स्वतंत्रता कर्मी जेल गए हुए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, नेताजी. हम खुशकिस्मत है और शुक्र गुजार है वो हमारे सारे स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर्स जिनके बदौलत हम लोग गवर्नमेंट और आज के रिपब्लिक डे में आपका समय लेना नहीं चाहूंगा, बट वेरी प्राउड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री. आई वाज मूव्ड बाय द काइंड ऑफ डिसिप्लिन. और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान की जो आयामों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आप यू गाइस कैन बॉडी तो पक्का डालिए हम YouTube पे सर, आप लोग का डाल दीजिएगा विजुअल का. कैसे एक
पंजाब का भांगड़ा दिखाया, भरतनाट्यम दिखाया, भी इतना दिखाया, आज 75 इयर्स में आप हम लोग काफी आगे आए, बट हमारे सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं। अभी भी हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे बहन देश के कोने कोने में जो बेसिक नेसेसिटीज अभी तक उनके पास प्राप्त नहीं है, जो स्कूल नहीं जा पाते। मैं भारत दर्शन के मेरे सर्विस के भारत दर्शन के समय लगभग सारे स्टेटों में घूमा हूं, एंड सच ए इंस्पायरिंग मोमेंट। मैं हिमाचल के पहाड़ियों में जाता हूं, छोटे छोटे बच्चे बैग लेकर के दो दो पहाड़ी चढ़ के जाते हैं स्कूल। सच अ पावरफुल इंसिडेंट। उनके पास शायद उतने साधन नहीं हो, बट उनके स्पिरिट स्टाइल है। मैं सारंडा की जंगल में देखा हूं बच्चों को पढ़ते हुए, गांव के डस्टी रोड्स में आई हैव सीन चिल्ड्रन स्टडी साथ ही साथ और रस्सी बुनते हुए। वो वोकेशनल एजुकेशन है, उनको आगे कमाने के लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं है, वो पैरेलली सीख रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन। सो कहने का मकसद यही है, हम सब लकी है कि हमको इस स्कूल में पढ़ने के लिए मौका मिला है। हम लोगों को हमारे पास हमारे पेरेंट्स से जो सपोर्टिंग है, हमारे पास साधन है आगे बढ़ने के लिए, बट हमारे पास हमारे देशवासी हैं जो हमारे सपोर्ट की जरूरत है जिन लोगों की। तो एक एक आप में से एक एक अगर ठान ले कि आप सक्षम बनेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, और साथ ही साथ और दो लोगों को, मिनिमम दो लोगों को अपने साथ आगे बढ़ा के लेंगे, मुझे लगता है हमारे देश के 150 करोड़ लोग। सर ने देखा था, उन्होंने एक विजन देखा था कि हम लोग एक डेवलप नेशन होंगे और हम लोग रहे हैं, उनके द्वारा संभव है। हम आपके साथ रहेंगे, सपोर्ट करेंगे। आगे के समय में मैं स्कूल में आके चर्चा करूंगा आपके साथ, ब्रिलियंट आइडियाज, न्यू फ्रेश स्पिरिट, एंड वी ऑल गेट मोटिवेटेड बाय यू, आई गेट मोटिवेटेड बाय यू। सर ने बताया कि हम आपके इंस्पिरेशन है, इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू, आई कम हियर टू ड्राइव इंस्पिरेशन फ्रॉम यू गाइस। आप लोग, आपके एनर्जी, आपका पैशन, आपका शीर जॉय एंड आपका क्रिस्टी एक्सप्रेशन ऑफ योर आइडियाज, आई मूव राइट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड मेक मी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इवेंट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।